हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अकाउंट इन टेली कि टेली में हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि क्विक बुक और पेज 3 में हम अकाउंट्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स में बनाते हैं, जबकि टेली में हम अकाउंट्स लेजर में बनाते हैं। और साथ ही ये बात भी याद रखें कि हम जो अकाउंट्स हम बनाते हैं लेजर में, वो हमारे बिजनेस के मुताबिक हो। सो अब हम काम शुरू करते हैं। लिहाजा हमने ऑलरेडी कंपनी बनाए हुए है, तो कंपनी खोलते हैं मंगश के नाम से। इसके बाद अगर शॉर्टकट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो RBI प्रेस कर सकते हैं। अगर आप सिंगल लेजर में बनाना चाहते हैं तो सिंगल लेजर में सी सेलेक्ट करें। अगर मल्टीपल लेजर में बनाना चाहते हैं, यानी बहुत से लेजर इकट्ठे बनाना चाहते हैं, तो मल्टीपल लेजर सेलेक्ट करें। लिहाजा मैं यहाँ सिंगल लेजर सेलेक्ट करता हूँ। हर अकाउंट्स अलहदा बनाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। और शॉर्टकट है ALC। पहले मैं HBL अकाउंट बनाना चाहता हूँ, बैंक अकाउंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ प्रेस करता हूँ ABL। और अंडर में हम वो अकाउंट, अगर आप देखें लिस्ट ऑफ क्रूज में ये एक लिस्ट खुल गया, सारे अकाउंट्स की लिस्ट हो गई खुल गया, तो अंडर में हम वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जो हमारे अकाउंट के मुताबिक हो। लिहाजा मैंने नेम में HBL सेलेक्ट किया है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है। लिहाजा हम लिस्ट ऑफ ग्रुप में भी हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंट। यानी इफेक्ट डेट पर रिकॉन्सिलेशन, यानी ये कब इफेक्ट हो जाएंगे। लिहाजा आज 29 तारीख है तो हम 29 सेलेक्ट करते हैं। नेम HBL, अगर एक अकाउंट आप देना चाहते हैं तो अकाउंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट देना नंबर अकाउंट नंबर दिया, एड्रेस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान मर्दान। लिहाजा ओपन बैलेंस हम यहाँ छूट देते हैं, बाद में बैलेंस देते हैं कि आपको सही तरीके से समझ आ सके। एक दूसरा बैंक अकाउंट बनाना चाहते हैं इलाइट के नाम से, इलाइट बैंक अंडर बैंक अकाउंट। यह भी अंडर बैंक अकाउंट सेलेक्ट हुआ क्योंकि बैंक अकाउंट हम बनाना चाहते हैं। ये भी 28 अक्टूबर को हम बनाना चाहते हैं, 28 अक्टूबर इसका बैंक अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल ये भी पाकिस्तान चौक में है, पाकिस्तान चौक मर्दान। एक दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट को हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ कैपिटल सेलेक्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, एक बात याद ये भी नोट करें कि कैपिटल का इफेक्ट इन्वेंट्री पर नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ नो सेलेक्ट कर देते हैं। एड्रेस भी खाली छोड़ देते हैं। और साथ ही सेल्स अकाउंट बनाना चाहते हैं, यानी जिस पर हम सेल्स करते हैं, तो अंडर सेल्स सेलेक्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। सेल्स का इफेक्ट इन्वेंट्री पर होगा तो लिहाजा हम ये सेलेक्ट कर देते हैं। परचेज अकाउंट बनाना चाहते हैं, जिससे हम परचेज करते हैं, वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट। तो यहाँ परचेज हम सेलेक्ट करते हैं, इसका इफेक्ट भी इन्वेंट्री पर होगा, ये हम यस कर देते हैं। जिस से हम
जिस पर हम सेल्स करते हैं उसको हम कस्टमर कहते हैं, सेंड एडिटर भी कहते हैं। लिहाजा हम सेंड एडिटर्स के एक अकाउंट बना देते हैं, सेंड एडिटर्स ऑफ, तो अंडर सेंड एडिटर सेलेक्ट करते हैं। इसका इफेक्ट होगा सेंड एडिटर जो एड्रेस हम खाली छोड़ देते हैं, और साथ ही जिसे हम परचेस करते हैं उसको हम सेंड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। सेंड्री क्रेडिटर्स भी हम कहते हैं, वेंडर भी कहते हैं। तो सेंड्री क्रेडिटर अकाउंट अंडर सेंड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर देते हैं, अंडर सेंड्री, या आप देख सकते हैं ये अकाउंट सेंड्री क्रेडिटर्स। ये सर अकाउंट हमने बना लिए, अब देखते हैं कि हमारा अकाउंट बन गया कि नहीं। अगर आप देखना आप चाहते हैं तो डिस्प्ले पर क्लिक करें, ये देखते हैं सर सारे अकाउंट बन गई। मैं एडिटर अकाउंट खोलना चाहता हूँ, देखते हैं एडिटर अकाउंट खुल गया है। एडिटर अकाउंट अंडर ट्विटर अकाउंट, अगर आप ने कोई अकाउंट बना लिया है इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो एडिटर सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल एबीएल है, इसके इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एबीएल का नाम चेंज करना चाहता हूँ, यूबीएल देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। अब लिस्ट में देखें कि लाइट बैंक खत्म हो गया है, उसकी जगह पर जो बेल आ गया है। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट्स ताकि मेरे हौसले अफजाई हो सके, और साथ ही साथ आपको नई नई वीडियो मिल सके।